एंट्री कर लिया यहाँ से मैंने, ये एंट्री गेट पूरा, ये चलती भी होगी और सीधा वहां। और ये कुआं ये देखो, अब ऊपर देख के आते हैं क्या है यहाँ पे। ये जेल है कैदियों के लिए, वहाँ से तो ऊपर की लड़ाई वड़ाई होती थी तो वहाँ से मारते थे। ये कुआं और इससे पानी निकलता था। हाँ भाई, व्हाट इज दिस, ये सात कोई नूर का हीरा जहां रखा जाता था पहले। हेलो एवरीबॉडी, दिस सचिन बुरी, कम बैक ओनली फॉर यू गाइस। कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो आ गया मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, जो कि है मेरा अमृतसर व्लॉग डे 3। तो अगर आप लोगों ने मेरा अमृतसर व्लॉग डे 1 एंड डे 2 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको दोनों वीडियोज मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ और वो भी देख लो। तो इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर की एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो कोहिनूर डायमंड के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, कोहिनूर का हीरा जो कि हमारे इंडिया का था बट अब वो इंग्लैंड में है क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लूट लिया था। जब वो हीरा इंडिया में था तो वो अमृतसर के किला गोविंदगढ़ में था और वो हीरा महाराजा रंजीत सिंह का था। तो इस वीडियो में आप लोगों को वही गोविंदगढ़ का किला दिखाने वाला हूँ और वो किला कहाँ है, कैसा दिखता है, टिकट प्राइस और भी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो इसलिए बने रहना एंड तक। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और बाकी मैं ऐसे घूमता रहूंगा और साथ साथ आप लोगों को भी घुमाता रहूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी घूम सको। तो चलते हैं अब जल्दी से। तो वो निकल गए हैं दुर्गानी मंदिर के लिए और हनुमान जी का मंदिर भी वहीं है। उसके बाद जाएंगे एक किले में जिसका नाम नहीं पता मेरे को, मैं बट पूछ के बताऊँगा। देखो मज़ा आता है, बैठ गए लंबे घूमने। तो पहुंच गया हूं मैं दुर्गानी मंदिर, ये बैक साइड है दुर्गानी मंदिर का, तो अभी अंदर जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया कल रात को कैसा है वो मंदिर, फिर से देख लो क्या होगा। मेन जाने की वजह ये है कि आज है मंगलवार और मंगलवार को मैं मंदिर जाता ही हूँ, हनुमान जी का भी मंदिर ही है अंदर, तो वो नहीं छोड़ सकता बस। तो जाना है मेरे को हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद हम जाएंगे किले जो कि यहीं आसपास ही है, वो तो ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मंदिर कितना सही लग रहा है, रात में मज़ा नहीं आ पाया दिन में दिखा मंदिर का सामने, और ये देखो और उस साइड भी ये गोल्डन टेम्पल वाली लुक है, ये है मंदिर कुछ। तो ये हनुमान जी का मंदिर है जैसे इसके बगल में ही, चलते हैं अंदर। तो ये है पूरा मंदिर, अभी वैसे बंद हो चुका है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। तो देख रहे हैं हनुमान चालीसा कितने सारे तो मंदिर से फ्री हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं किले जो कि मंदिर के आसपास ही है। मैं पता करके बताऊंगा ताकि आप लोग भी जा सको वहाँ पे और दिखा तो दूंगा ये कैसा है कैसा नहीं। तो पहुँच जाऊँ मैं किला गोविंद, ये एंट्री है पूरी, इसमें भी जा सकते हैं, चले यहाँ लेट के जाता हूँ मैं पूरा ऐसे। तो ये गाड़ी इन लोगों के लिए जो चल नहीं सकते, ठीक है, मतलब जिनको प्रॉब्लम होगी, बाकी हम तो जवान लोग हैं यार, ऐसे जाएंगे पैदल पैदल। और बाकी किला दुर्गानी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है गोविंदगढ़ का किला, इसका नाम है, ठीक है। बाकी अंदर से दिखाऊंगा कैसा है, और पीछे टीम आ रही है पूरी, टीम मेंबर मेरे को तो बस खबर चाहिए कि हाँ यहाँ किला है, जहाँ पे मैं तो पहुँच जाता हूँ, सही लगता है मेरे को। आई लव द किलास किलास। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से सामने बिल्कुल एंट्री गेट, आपको दिखाता हूँ मेरे को, वो देख रहा हूँ वहाँ से पूरी एंट्री है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये गाड़ी है लैम्बर्गिनी है, देखो सच में लैम्बर्गिनी है क्योंकि लंबी भी है थोड़ी, तो इसमें भी जा सकते हो आप लोग, चलते जल्दी से। तो एंट्री कर लिए यहाँ से मैंने, ये एंट्री गेट पूरा। चल रहे हैं अंदर,
यहाँ से एंट्री है बिल्कुल। ये देखो देख रहे हो, ये चलती भी होगी और सीधा वहाँ। और ये देखो कितनी सही लुक आ रही है यहाँ से, दूसरी साइड ऐसी। ये देखो लग रहा है किसी महल में जा रहे हैं अंदर, फुल गेट वगैरह पुराने जमाने का। और ये इस साइड भी है कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बस। ये देखो वाव, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्या है इसमें? और ये कुआं, ये देखो दिखा, आई होप दिखा होगा, यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये कुआं है जो कि लॉक कर दिया गया है, पहले कभी होगा खुला। तो ये कुछ ऐसी लुक आ रही है अंदर से पूरी, ये देखो। बाकी गलत बात है, उन्होंने कैमरा रखवा दिया मेरा बाहर ही, कह रहे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं। तो क्या हो गया यार, ब्लॉगर है फोन से ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ चले ऊपर, चलो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, चलते देखते हैं। भूत है ऊपर बस, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, देख के तो हूँ क्या है, कुछ तो होगा, कुछ तो है, कुछ भी नहीं है यार। तो देख रहा हूँ तो सही लग रहा है यहाँ से। ये मैं तो यहाँ से जाऊँगा। तो गोविंदगढ़ का किला है ये, तो ये है पूरा रास्ता। और ये ऐसा होना है कुछ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये पूरा महल है ना, तो रास्ता क्या बंद है? तो आगे तो बंद है पूरा। अच्छे ब्रश है, ध्यान से देखिए कुछ तो इसमें राज है। ऊपर से आ सकते हैं? अच्छा तो अब दूसरे रास्ते जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ था नहीं, अब यहाँ देखते हैं जो कुछ भी है उसके अंदर है। तो ध्यान से देखिए चल रहे हैं। हाँ जी क्या हाल है? तो मैं अंदर आ चुका हूँ, किला गोविंदगढ़। और ये पूरा मैप है कि यहाँ पे क्या क्या है, पूरा मैप है ये देखो। और ये दो दो लैम्बोर्गिनी खड़ी है, कितनी लंबी है देखो, इससे भी घूम सकते हो आप अगर आपको पैदल चलने का मन नहीं है तो। ये देखो कितना सही लग रहा है यार, बिल्कुल साफ सुथरा, जो कि बंद कर दिया है पर कुछ तो दिखेगा। ध्यान से देखिए, देख रहे हो खाली है पर पूरा। तो ये है किला पूरा, और वहाँ बच्चों बच्चों का थोड़ा खेलने का है, तो अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो आप आ सकते हो उनको यहाँ पे। और ये पूरा खाने का, पूरा खाने का अरेंजमेंट थोड़ा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो यहाँ से खा सकते हो आप। तो ये है पूरा मेला, और ये देखो रहन दो काट लेता है कभी कभी प्यार से। हाँ भाई सब्सक्राइब कर दिया, नहीं करा तो ये रेड वाला, ये रेड कलर का बटन है वो देखो, ये क्या है ध्यान से देखिए। ये देखो व्हाट इज दिस, ये जाओ जाओ सब्सक्राइब करके आओ पहले, कितने सही लग रहे हैं यार। हाय अबुजा इज हियर, हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये झूला है वो वाला, घुमाते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये सारी राइड्स भी इंक्लूड है अगर आपको वो करनी है तो, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बट उसके। बाकी ये है पूरा, कितना सही लग रहा है। तो ये मेरे को रास्ता दिख रहा है ऊपर जाने का, अब देख के आता हूँ ऊपर क्या है। चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, बट ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है।
कुछ ऐसा यार फोटोशूट वगैरह के लिए तो बहुत सही प्लेस है, पूरा ऐसे बना सकते हो, पूरा ऐसा बना हुआ है। तो ये यहाँ से ऊपर रास्ता जा रहा है, ऊपर देख के आते हैं क्या है यहाँ पे, चलते हैं जल्दी से। और मौसम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बारिश होने वाली है बस। तो ये पूरा टॉप, और ये भी कुछ ठीक है, ये भी कुछ है, ये कुआं और इससे पानी निकलता था वो है ये, पूरा ठीक है। ये लिफ्ट है ठीक है, ऐसी लिफ्ट है। तो ऐसा है ऊपर, ये देखो ऊपर से कुछ ऐसी लुक आ रही है, एग्जिट इज़ हियर। तो ये देख रहे हो, ये कुएं से पानी निकालने का, इसको ऐसे घुमाएंगे, अभी बंद कर दिया गया है। ओ कॉल भी कर सकते हो अंदर मोबाइल भी। तो वहाँ थोड़ा डीजे वीजे भी का भी अरेंजमेंट भी है, वो देखो क्या हो रहा है, चलते हैं पास से देखते हैं थोड़ा। तो ये पूरी परफॉर्मेंस वगैरह भी करते हैं यहाँ पे, और ये आप फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हो, ढोल वगैरह बजाएंगे, और वहाँ थोड़ी इंजॉयमेंट चल रही है, सब अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ढोल वगैरह बजा। हम थोड़ा ऊपर देख के आते हैं, नौकरी पहले है भाई। तो ये जेल है कैदियों के लिए, पूरे अंदर है, जेल नहीं है जेल लिखा है, ये क्या है, ये जेल है कैदियों के लिए, जो पहले के कैदी होते थे। ये देखो कैसे डांस कर रहे हैं, ये देखो रेडी वन टू। तो सवाल वाल पूछ रहे हैं, सभी ने देखी है, मैंने नहीं देखी। यस, तीसरी जो परफॉर्मेंस थी, तीसरी जो परफॉर्मेंस यार, कि तीसरा जो सॉन्ग चला था, उस सॉन्ग में कितने आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पर, यानी कि कितने आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे तीसरे सॉन्ग पर, ड्यूट परफॉर्मेंस जो लगी थी, आठ मुझे भी गिन लिया सर, साथ में आपने आठ आठ गिन लिए। ओके, कोई जवाब दे सकते हैं कितने आर्टिस्ट परफॉर्म में, बाहर से आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, लास्ट सॉन्ग पे कितने परफॉर्म करे, हमने देखी नहीं, अरे हमने देखी नहीं पहले। ओके ठीक है जी, सात हाँ ठीक है, मैं ही जीतूंगा। मैं ही नजर मेरी आपकी तरफ जा रही है, टोटल कितने थे, आठ पाँच छः ओके सात है भाई, छः छः थे। आज जो जिनका आंसर छः है वो अपने लिए तालियां लगा दें, क्योंकि छः आंसर बिल्कुल सही है। अरे यार एक से रह गया मैं। एक और सवाल, जो आपने गतका भी देखा होगा, सिख मार्शल आर्ट गतका जो मैंने अनाउंस किया था, उसमें कितने टोटल प्लेयर थे, तीन नहीं मैंने तीन नहीं थे, पांच पांच ओके दो प्लेयर थे, नहीं सब दो ही नहीं थे, पांच थे, पांच थे बिल्कुल सही आंसर, पांच थे। ओके, तो एक और हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा सवाल, मेरा सवाल आपसे यह है कि कोहिनूर जो डायमंड है, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर जो हीरा है, उसका रेप्लिका किला गोविंदगढ़ के किस म्यूजियम में रखी गई है। हाँ जी, क्या बात है, क्या खुल के बोलिए आप, ऊंचा बोलिए, थोड़ा सही बोल रहे हैं। हाँ जी, उनका जवाब आ गया। उसके अलावा कोई और बता सकता है कि कोहिनूर डायमंड की रेप्लिका किस म्यूजियम में रखी गई है, किला गोविंदगढ़ में? पता नहीं मेरे को दिखी, कौन सा, इंग्लैंड में? इंग्लैंड में तो असली है ना, पहले इंडिया में था वो, पहले इंडिया में था वो डायमंड, यानी कि इसी गोविंदगढ़ में था वो पहले हीरा, महाराजा रणजीत सिंह का कोहिनूर हीरा था, लेकिन अभी अंग्रेजों ने इसे लूट लिया गया है, अभी इंग्लैंड में है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी रेप्लिका यहाँ पर है, उसकी तरह दिखने वाली एक नकल, जो समय में असली थी अभी वहां नकली रख दिया, यानी कि रेप्लिका रख दी है, वो किस म्यूजियम में है? एक बार ऊंचा बोल देंगे मैम आप, तोशाखाना में है वो म्यूजियम, आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, ये बिल्कुल सब जो शाही तोशाखाना है वहां पे रखा गया है। ये देखो ये शहर वाली, तो भैया कितनी देर में होगी परफॉर्मेंस दोबारा, 10-15 मिनट ओके। अच्छा स्टेप तो कर दो, तोश खाना जहाँ वो बता रहे थे कि कोई नूर का हीरा जहाँ रखा जाता था पहले, जो कि अब
अंग्रेज चुरा के ले गए हैं इंग्लैंड में, जो कि अब इंग्लैंड में है, बट उसका एक कह सकते हैं उसका एक मॉडल तैयार करके यहाँ रखा गया है जहाँ पहले रखते थे। तो ये यार पूरा किला, गोविंदगढ़ का किला पूरा ऐसा बना हुआ है, ये देखो ये सब पूरा मैप है जिसका वेट कर रहा था मैं। मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है, ये देखो ये किला पूरा, इसका बैक साइड ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले पानी होता था। ये देखो पूरा ऐसा है, ये बैक साइड है किले का, फ्रंट वहाँ से, और वहाँ से तोप रखी हुई लड़ाई वड़ाई होती थी तो वहाँ से मारते थे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। तो जो भी लोग अमृतसर आओगे उन सबसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करो, बहुत अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए पूरी फैमिली के साथ, मतलब बहुत ही अच्छा बना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, राइड्स भी हैं बहुत सारी, और खाने पीने का भी बहुत कुछ है, और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, वीडियो बनानी है तो आप फ़ोन से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने बनाई है। बाकी मज़ा आ जाएगा एक बार आके देखो। टिकट प्राइस का मैं एक बार ही आपको बता देता हूँ, टिकट प्राइस बहुत ही डिफरेंट तरीके की है, बहुत कॉस्टली भी है और अफोर्डेबल भी है। टिकट प्राइस आपको बता देता हूँ, 500 की भी है, 180 की भी है, 50 रुपीज़ की भी है, तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप खरीद सकते हो यार, और आगे यहाँ घूम सकते हो। मज़ा आपको सब सारी टिकट प्राइस में आने वाला है, तो देख लेना अपने हिसाब से, जो उनसे अच्छे लगे वो ले लेना। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल में, क्योंकि निकलना भी आज वापस अपने दिल्ली, चलते हैं। और यहाँ तो सही लग रही है, तो सुबह का मौला पूरा जले वाले बाग के बाहर था, ये देखो पूरी मार्केट है, और कल रात को भी दिखाई दी है। तो ये था मेरा अमृतसर व्लॉग डे 3, आई होप कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया। बाकी के दो पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, तो जाओ और जल्दी से वो भी देख लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं ऐसे घूमता रहूंगा और साथ साथ आप लोगों को भी घुमाता रहूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी घूम सको। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और हाँ ये लगा के रखना, बाय।